अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं काबुली चने का छोला। बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है, उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ये देखिए, हमने इधर आधा किलो ये काबुली चना लिया था, इसको अच्छे से भिगा के रखा, फूल गया है ये पूरी रात। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब इधर हमने ये प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम सारे जो चने थे इसको हम सारा ऐड कर देंगे इसमें। अभी देखिए, सारा इसमें हमने चना ऐड कर दिया है कुकर में। अब हम मसाला इसको उबालने के टाइम पे जो हम ये डालेंगे, ये देखिए इस तरह से हमने लिया है। आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, हमारे पास ये है। तो इसमें हम मसाला ऐड करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें उबालने के टाइम पे जाएगा। इसमें देखिए, दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 3 इलायची ऐड करना है, डाल देना है आपको, और 3-4 जो है लौंग, 10-12 दाने काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच इधर हम चाय पत्ती ऐड करेंगे। अभी इस चने में हम पानी ऐड करेंगे उबालने के लिए। ये देखिए, इतना हमने डाल दिया है बड़े वाले मग से, 1 मग पानी। अब इसमें जो हमने ये मसाला आपको बताया था, ये चीज़, इसको बंद करके इसको भी डाल देना है, भी डाल देंगे। अब इसको हम गैस पर रखते हैं। ये देखिए, हमने गैस को ऑन करके अभी हमने ये प्रेशर कुकर रख दिया है, इसको अंदर थोड़ा डिप कर देंगे। अब इसमें हम नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे, 1/2 चम्मच से भी कम। अब इसमें हम 1 चुटकी मीठा सोडा ऐड करेंगे, 1 चुटकी मीठा सोडा इसको ऐड कर देना है, और सीटी लगा देंगे, 3-4 सीटी। बस अब ये बंद कर देंगे हम कुकर को, और 3-4 सीटी आने देंगे। अभी जब तक हमारा छोला उधर बॉयल हो रहा है, जब तक इधर हम आपको अपना मसाला दिखा देते हैं। ये हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है बघारने, तड़का मारने में जाएगा, और ये 1/2 चम्मच से कम जो है अजवाइन लिया है, मतलब 1/4 चम्मच अजवाइन है, और लहसुन अदरक इसको हमने घस लिया है, 3 बड़ा साइज़ का था इधर लहसुन, और 1/2 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का, इसको घस लिया है। 2 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट कर लिया है, अमचूर पाउडर 1/4 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, और 2 चम्मच जीरा, ये पीसने में जाएगा, ये सारा मसाला पीसने में जाएगा। और ये तड़का मारने के टाइम पे ये सब तड़का जब बघारेंगे तब आपको दिखा दें। मसाला पीसने के लिए जो भी हमने दिखाया था, 2 चम्मच जीरा, कसूरी मेथी 1/2 चम्मच से कम जो है, अमचूर पाउडर, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, इसको भी इसी में ऐड करके इसको बारीक पीस लेते हैं। इधर देखिए, हमारा ये चना बॉईल हो गया है अच्छे से, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, बढ़िया सा बॉईल हो गया है, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर हम गैस चूल्हे को हमने ऑन करके तेल ऐड करेंगे, बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच, देखिए 1 चम्मच, और ये गया 2 चम्मच। अब तेल को गर्म होने देते हैं। अभी तेल हमारा गरम हो गया, इसमें हम अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन जैसे ही होता है, लहसुन अदरक इधर हमने घस के लिया था, इसको ऐड कर देना है। हो गया, 2 मिनट इसको भूनेंगे, फिर इसके बाद थोड़ी सी अच्छी से खुशबू आने लगी है। अभी इसमें हम ये प्याज जो लिया था इसको ऐड कर देंगे, इसको भी भून लेते हैं, अच्छे से लाल कर लेते हैं प्याज को। अभी देखिए, प्याज हमारा लाल हो गया है, अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे जो पीस के लिया था। अभी हम मसाला डाल दिए हैं, अब नमक डालते हैं 1/2 चम्मच, नमक अपने हिसाब से रखिएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये अपना छोला मसाला, 2 चम्मच लिया है, इसको ऐड कर देना है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच से कम जो है, 1/4 चम्मच हल्दी,
अब ये देखिए मसाले को अच्छे से हम भून लेते हैं। बहुत मज़े का और अच्छा बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगेगा रेसिपी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मसाला देखिए अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम जो छोला इधर लिए थे इसको हम इसी में ऐड कर देंगे। बहुत जल्दी और आसान तरीके से बनता है ये देखिए। अब इसमें अगर आपको पानी अगर डालना है, आपको ग्रेवी रखना है, तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको हमने देख छोड़ दिया है, धीमे आँच पर पकता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको ढक देंगे। 5 से 10 मिनट इसको हम धीमे आँच पर पका लेते हैं। अभी हमारा ये देखिए मज़ेदार सा ये छोला बनके रेडी हो गया है। बहुत मज़े का बना है। अब इसका प्लेटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना टेस्टी और यम्मी दिख रहा है। ये देखिए बहुत इजी और आसान तरीके से बनता है और बहुत जल्दी बनता है। खाने में भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।